मॉर्निंग बच्चों, आज मैथ्स में हम करेंगे मैच। मैच मतलब मिलान होता है। जिन्होंने टेबल 2 to 10 याद कर लिए होंगे वो इजीली ये कर लेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि इसमें आपको टेबल पढ़ने रहेंगे, मल्टीप्लाई करना रहेगा, तभी आपका आंसर आएगा। देखिए 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। इधर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। इसमें चिपका मत देना, थोड़ा दूर रखना इससे। फिर नेक्स्ट देखिए 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 4 12 3 5 15 3 6 18। देखिए इधर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 18 को मिला देंगे, ऐसे मैच कर देंगे। आप 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 4 5 20। इधर 20 किधर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम ऐसे मैच कर देंगे। डिजिट से टच मत कराइएगा लाइन को, नहीं तो वर्क आपका गंदा हो जाएगा। 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 5 35 होता है, 35 इधर लिखा हुआ है, ऐसे मैच कर देंगे। 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 36 6 6 36 6 4 2 6 8 48 48 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आपको टेबल आएगा, काउंटिंग आएगी, तभी ये आप वर्क कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 7 3 21 होता है, ठीक है। जिसे टेबल ना याद हो टेबल याद कर ले, जिसे काउंटिंग ना याद हो 1 to 100 वो काउंटिंग याद कर ले, तभी आप ये मैच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसमें आप टेबल पढ़ोगे, इधर लिखा होगा उसे टेबल पढ़िए, जितनी बार लिखा होगा जो आपका आंसर आ रहा हो इधर देखिएगा, जहां पे वो आपका आंसर लिखा हो उससे आप मैच कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको होमवर्क में भी करना रहेगा। थैंक यू।